हेलो फ्रेंड, वर्तमान डिस्कशन करिबा प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर्स सिक्स रो यूनिट थ्री संबंधे। तो आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ उत्तर ओडिया उपभाषार लाक्षणिक वैशिष्ट्य संबंधे ठारे आलोचना करिबा। तो उत्तर ओडिया उपभाषार लाक्षणिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन अटे ना उत्तर ओडिया उपभाषा विशेषत्व ओडिशार बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर प्रभृति अंचल व्यवहृत होता है। तो उत्तर ओडिया उपभाषा विशेषत्व ओडिशार बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर प्रभृति अंचल कौन होता है ना यार व्यवहृत होवार यह भाषार व्यवहृत होवार देखा जाए। यह व्यतीत बंगलार मेदिनीपुर नारायणगढ़ दानुन अंचल व्यवहृत होता है। सार जर्ज ग्रियर्सन मतरे बंगला भाषा ओडिया भाषा उपरे सेतिक प्राधान्य विस्तार करछि। तो सार जन जज ग्रियर्सन मतरे बंगला भाषा कौन करछि ना ओडिया भाषा उपरे प्राधान्य विस्तार करछि। तेणु उत्तरांचल लोके एपरि एक भाषा कहंती जहाँ ओडिया रे आरंभ होई बंगला रे शेष होइथाय। तो तेणु उत्तरांचल लोक एक भाषा व्यवहार करती जहाँ ओडिया रे आरंभ होइथाय एवं बंगला रे एही शब्दटी शेष होइथाय। से पुणी मध्य मयूरभंज अंचल रे थिबा कुरुमी भाषा को एक उपभाषा बोली कहंती। तो से पुनर्वार कौन कहंती ना मयूरभंज अंचल रे थिबा कुरुमी भाषा को एक उपभाषा बोली मतव्यक्त करती। स्थान भेद रे बालेश्वर मयूरभंज मेदिनीपुर प्रभृति अंचल रे किछि ना किछि पार्थक्य थिले मध्ये पार्थक्य थिले मध्ये केतटी सामूहिक वैशिष्ट्य अठारे कौन कर दर्शा जा। तो ध्वनिगत वैशिष्ट्य कौन यह हूँ उत्तर ओडिया भाषार उपभाषार कौन अटे ना ध्वनिगत वैशिष्ट्य अटे। तो यार ध्वनिगत वैशिष्ट्य कौन अटे देखा ना प्रथम रहा प्रामाणिक ओडिया भाषार अर्ध संवृत स्वर ओ ए उत्तरी ओडिया भाषा संवृत स्वर उ इरे परिणत होता है। उ बदल उ स्थान कौन होता है ना इ परिणत होता है। उदाहरण स्वरूप रोग रोग भोग भोग सोई सुई गोटे गुटे गोबर गोबर गोड़ गुड़। तो द्वितीय रहा ल ध्वनि न रे परिणत हो तो लर ल शब्दी न रे कि भाव में परिणत हो। उदाहरण स्वरूप लाभ नाभ लख नख लता नटा लहुणी नहुणी यही भली भाव लंका नंका लाज नाज लुण नुण। तृतीय रहा ओडिया अक्षर साधारणतः सर्वदा मुक्त बा शब्द शेषे स्वर वर्ण थाए किंतु यही उपभाषा स्वर वर्ण लोप होता है। उदाहरण स्वरूप भात भात काम काम घर घर। चतुर्थ रहा घ स्थान में हर व्यवहार घ स्थान कि भाव में हर व्यवहार होती। उदाहरण स्वरूप आम घर आम हर तो घर त हर घिनिए हिनिए। पंचम रहा इ ध्वनि हर्ष स्वर हो ब व्यंजन ध्वनि नासिका ध्वनि मरे परिणत हो। उदाहरण स्वरूप नहीं जीवि नहीं जिमी कहबी कहमी खाइबी खाइमी पारिबिनी पारिमिनी काटिबी काटिमी देखिबी देखिमी मागिबी मागिमी जिबि जिमि एही भाव। तो द्वितीय रहा सर्वनामगत वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य। उदाहरण स्वरूप देखिबा सर्वनामगत वैशिष्ट्य मु आमे तुमरो आपणारो एटा इटा केउठी केठी सेहीटा हियोटा कौन कि सेटा सीटा काहेकि केने। तो क्रियार प्रयोग एठार कि भली भाव हो ना असमापिका प्रयोग। उदाहरण हूँ यार असमापिका क्रिया प्रयोग असमापिका प्रयोग कि भाव हो। उदाहरण स्वरूप देखा जीवाकू जाते खावाक खाइते जाऊ जाऊ जाते 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 भाव। सड़ई कला खोरसुआ अंचल पश्चिमी भाषा अपेक्षा यह प्रभाव बेसी परिलक्षित हुए। सड़ई कला खोरसुआ अंचल पश्चिमी भाषा अपेक्षा यह प्रभाव बेसी परिलक्षित होता है।
କିମ୍ପାଇ ବଦଳରେ କେନେ କ'ଣ ବଦଳରେ କିସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଦେଖତେ ଯିମି ଯିବି, ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍, ସେ ଆସିବେ ସେ ଆସନ୍, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେହ ଦହ, ଏକ୍ଷଣି ହୁଛୁଣ ହୁଛୁଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ବିକୃତି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ତୋର ତୋର, ବହୁ ବହୁ, ମୋର ମୋର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନରେ ପରିଣତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା, ଅସ୍ଥି ଅସ୍ଥି, ଆସ୍ଥା ଆସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୂପଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବଙ୍ଗଳାର ଭାଷାର ଅନୁସରଣରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର, ଖାଇତେ ଯାଇତେ ଧୋଇତେ ଶୁଇତେ ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ନୁର ବ୍ୟବହାର, ଗୀତରୁ ଗାତନୁ, ଯାତ୍ରାରୁ ଯାତ୍ରାନୁ, ଯାହାନ୍ତରୁ ପାହାନ୍ତରୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତୃତୀୟ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ନିକିର ବ୍ୟବହାର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥରେ ନିକିର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନିକି, କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଭାବେ ବେର ପ୍ରୟୋଗ, ଯଥା ବେ ଆଉ ଖାଓନା, ସେତେବେଳୁ ତୁ କିସ କରୁଥିଲୁ ବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଥୋପକଥନ କରାଯାଏ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ଘୁମ ନିଦ, ଚିରୁଣି ପାନିଆ, କତି ପାଖ, ବୈଦି ଭାଉଜ, ଚେନି ଚିନି, ଆଲ ଆଲ ଆଲୁଆ, କିସ କ'ଣ, ନା ନା କରୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ପିଠକୁ ପିଠଉ, ତିର୍ଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଖେନ୍ତେଇବା ଖେତେଇବା, ଉଜାଡ଼ିବା ଢାଳିବା, ନାନି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବା ଆଈ ବା ବାପା, ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟ କଥିତ ଭାଷା ଅଟେ।